कल के तो भिखारी थे, आज के करोड़पति है। दुल्हन के भाई ने खोला बाबा के भाई का राज। हंगामे वाले दिन लड़की के पिता को उठा ले गए थे बाबा के लोग। बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई सालिग्राम के विवाद में नया मामला सामने आया है। दुल्हन के भाई ने खुलासा किया कि सालिग्राम नशे की हालत में था। उसे इस बात का होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसने 7 लोगों के साथ मारपीट की थी। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई सालिग्राम गर्ग का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार के भाई हाथ में पिस्टल और मुंह में सिगरेट लिए हुए एक दलित परिवार की शादी में हंगामा कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने SC ST एक्ट के अलावा विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर सालिग्राम की तलाश शुरू कर दी। अब इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। कई दलित संगठन इस मामले में पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार भी खुलकर सामने आया है। शादी समारोह में हंगामे को लेकर दूल्हे आकाश ने बताया कि शादी वाले दिन बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई ने नशे की हालत में उत्पात किया था। आकाश का कहना है कि 12 फरवरी की रात को हम लोग अटकोआ से गड़ा गांव में बारात लेकर आए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी वहां सालिग्राम गर्भ आ पहुंचा। वह बहुत ज्यादा नशे में था। उनके हाथ में पिस्टल और मुंह में सिगरेट थी। उसने बिना कुछ कहे और सुने तोड़फोड़ और गाली गलौज शुरू कर दी। वह इतने नशे में था कि उसे इस बात का भी होश नहीं था कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। वह बार बार एक ही बात कह रहा था कि यहाँ राय मत बजाओ। उसे जो भी समझाने जाता वह उसे मारने लगता। वहाँ पर उसने लगभग 5 से 7 लोगों के साथ मारपीट की और कुछ फायर भी किए। आकाश ने बताया कि हंगामे के कुछ देर बाद वहाँ से एक बहन आई, उसमें कुछ लोग थे। वे बागेश्वर धाम से आए थे। वो लोग मेरे ससुर को गाड़ी में बैठाकर बागेश्वर धाम ले गए और फिर उन्हें आधे घंटे के बाद वापस छोड़ दिया। इस आधे घंटे में वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्ट भारत।